अस्सलाम वालेकुम। वादी नीलम की सरजमीन से सुबह का सलाम सारे देखने वालों को। ये रती गली बेस कैंप पे अभी हम मौजूद हैं और आज हम एक बहुत ही खूबसूरत लेक विज़िट करने जा रहे हैं, जो कि वो जो ऊंचा पहाड़ नज़र आ रहा है उसके पीछे है। रती गली लेक हम कल विज़िट कर आए थे, जो कि इस पहाड़ के इस तरफ है जिस तरफ मैं खड़ा हूँ, लेकिन पहाड़ के बिल्कुल साथ है, जबकि पहाड़ के दूसरी तरफ गटिया लेक है, वहाँ पे अब हम जा रहे हैं। और इसके लिए हमने ये घोड़े जो खड़े हुए हैं ये बुक कर लिए, और एक घोड़े का किराया 800 रुपये है, लेकिन वो कुछ रास्ते तक जाएगा हमारे साथ, जहाँ तक स्टीप हाइकिंग और पत्थरों वाला रास्ता है वहाँ वो हमें उतार देगा, और फिर हम आगे ट्रैकिंग करते हुए जाएंगे, जो कि आगे शायद 3-1 घंटे का ट्रैक होगा मज़ीद लेक तक पहुँचने के लिए। तो शुरू करेंगे इंशाल्लाह अभी शॉर्टली। नाश्ता हमने कर लिया, इस वक्त 6:30 बजे हैं सुबह के, और आज 19 सितंबर 2024, और ये सामने मेरे ग्रीन मेडोज़ बहुत खूबसूरत। ये भी एक रास्ता है, ये जाता है हंसराज लेक और कालासर 1, कालासर 2, कालासर 3, लेकिन अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम कई दिन से नीलम वैली में घूम रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर कभी जब भी नीलम वैली का विज़िट होगा तो ये वाली लेक्स भी हम विज़िट करेंगे, और ये कंप्लीट व्यू बेस कैंप का। कहाँ जा रहे हैं? अरे वो जिधर आप लेके जा रहे हैं, हम तो पता है, हम प्लानिंग में नहीं होते, हम सिर्फ आपके पीछे हैं। आज आपको एक जन्नत का एक नमूना दिखाएंगे इंशाल्लाह। और शाहजी घोड़े को आजमाइश में डालते हुए, और एक तरफ इस घोड़े को इम्तिहान में डालते हुए नुमान साहब, और ये मेरा घोड़ा है। ये जनाब हम बेस कैंप से इतना ऊपर आ गए और अभी तक घोड़ा रुका नहीं है, रुकेगा भी नहीं, हम तो बहुत दफ़ा रुक जाते हैं इतनी देर में। और ये सेम ट्रैक है रती गली वाला, क्योंकि गटिया लेक जाने के लिए रती गली से होके ही जाना पड़ेगा। धूप अब पहाड़ पे निकल आई है, और बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि हमारे ऊपर भी अब धूप आ जाए, क्योंकि बहुत ठंड लग रही है। आप यहाँ पर सीज़न में होते हैं सारा सीज़न? हाँ सीज़न मुकम्मल। और मुकामी आप कहाँ से हैं? द्वारियाँ से। द्वारियाँ से, तो जब आप ऊपर आ जाते हैं तो नीचे भी जाते हैं घर, या बस सीजन खत्म होने के बाद ही जाते हैं? एक हफ्ते बाद जाते हैं बस। अच्छा, जाते हैं एक हफ्ते बाद। जब घोड़ा थक जाता है ना, हाँ, अच्छे दिन लगाते हैं साथ में रेन को छोड़ के, और घोड़े को यहीं छोड़ जाते हैं, यहीं छोड़ दे। यार इसको आने दो भाई, ओ मेरी टांग रगड़ दी है इसने, मेरी बैल उत्ते ना छिकी फ्रूटी घोड़े की खराब हो गए, घोड़े थक गए। शाहजी पानी पी रहे हैं, यकीन करें अल्लाह की ऐसी मखलूक है, इंशाल्लाह घर जाकर ना मजमून लिखना भाई ने पूरा, वाह जबरदस्त। मैं कहता हूँ यार ये भी काबिले तारीफ नेमत अल्लाह की, हाँ। बड़े उससे लेकर आया है, माल बरदार, हाँ। सवारी बरदार है, बिल्कुल बिल्कुल। ये ऊपर से पानी आ रहा है चश्मे से, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने बनाया हुआ है खुद से, एक्युमुलेट हो रहा है, और घोड़े थक गए और पानी पी रहे हैं, मासूम जानवर। और ये पीछे नज़ारा है जहाँ हम बहुत ऊपर आ चुके हैं, और बस अब रती गली लेक थोड़ा ही आ गया है। ये जनाब रती गली की मेडोज इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं, झील इस तरफ है और हमारा रास्ता इस तरफ। ये सामने वो जो दो पहाड़ हैं उनके बीच में से हमने जाना है, बट आई डाउट के घोड़े वहाँ से जाएंगे। ये है झील का मोगा, यहाँ से पानी इसका डिस्चार्ज हो रहा है, जो बेस कैंप पे खूबसूरत वाटरफॉल बनाता है। जनाब इसका नाम नजर आती है सोना, गुड घोड़ी है, घोड़ा फर्जी है, खच्चर है ये आप अपने मजमून में लिख देना कि मुझे पूरा सफर करने के बाद पता चला जिस पे मैं सवार था वो ना घोड़ा था ना घोड़ी।
यार खुदा इस बार यार इस बार आया ये जाएगा फेसबुक के ऊपर यही तो शुगल है आप चेक कीजिएगा भैंस और ये मजबूत सारा सोच लिया इसका यार ये हमारे घोड़ों का मजाक नहीं करना बैठेंगे नहीं बाद वाले नहीं नहीं मजाक नहीं करेंगे तारीफ लिखनी तारीफ लिखेंगे मजाक में भी तारीफ होगी के बारे में जो लिखने लिख रहे ये शाहजी जो है ना हमारे बहुत अच्छे लिखारी हैं बहुत खूबसूरत व्यू रत्ती गली लेक का इतनी हाइट से देखेंगे और सुबह की जो सूरज की किरणें झील में पड़ रही हैं वो तो इसको और ही खूबसूरत बना रही हैं किसी और ही दुनिया में आ गए हैं और ये पीछे ग्रीन पहाड़ ओ पर्दे और ये रेड कलर के फ्लावर्स सर पूरा हुआ है बेटा ये बहुत नज़ारा अच्छा अच्छा पर्पल कलर के फ्लावर्स ये हाइट से जो है ना रत्ती गली लेक का व्यू है इन रूट गटिया लेक और ये देखें ये फ्लावर्स दोबारा से सफ़र स्टार्ट है हमारा गटिया लेक की तरफ झील खूबसूरत और ये सुर्खी महल पहाड़ सामने और उन पहाड़ों के बीच में हमने बीच में से गुजरना है ओए पानी आबशार और झील और फूल और पहाड़ और अल्लाह की कुदरत और हम कैसा हसीन इम्तिजाज है इन सब चीज़ों का झील से हम बहुत ऊपर आ गए एक्चुअली हम नहीं आ गए घोड़े हमें ले आए मुझे नहीं पता था कि गटियां लेके पूरे रास्ते में रत्ती गली हमारे साथ साथ होगी हमारे सामने होगी और इसके अलावा भी इतने खूबसूरत नज़ारे होंगे ये पिंक कलर के पहाड़ और रास्ता आगे काफ़ी मुश्किल है घोड़ों को छोड़ दिया यहीं तक था हमारा इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट घोड़ों को हमने खैरबाद कह दिया और नीचे से हम काफ़ी ऊपर आ गए और इस पहाड़ के हम काफ़ी नज़दीक आ गए हमारा फर्स्ट टारगेट ये और वो जो कट नज़र आ रहा है दो पहाड़ों के बीच सेकंड टारगेट वो होगा वहाँ से नीचे गटियां लेक नज़र आएगी और फिर नीचे जाएंगे गटियां लेक तक बहुत खूबसूरत रास्ता है यहाँ पे बहुत कलरफुल फ्लावर्स हैं और मरमोट भागते हुए नज़र आ रहे हैं हमें देख के छुप जाते हैं सर्दी बहुत ज़्यादा इधर लेकिन अब चूँकि हम ट्रैकिंग कर रहे हैं तो पसीना आ रहा है और कुदरत के जो ये नज़ारे हैं
इनको देख के मज़ा भी बहुत आ रहा है। ओह बड़ा मुश्किल है ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में ख़ुद को ऊपर लेके जाना, और वो भी वहाँ पे जहाँ ऑक्सीजन बहुत कम हो। बहुत मुश्किल रास्ता शुरू हो गया फर्स्ट टारगेट को अचीव करने में, और ये चट्टाने जो है ना हमें जंप लगा के क्रॉस करनी पड़ रही है, और वो हमारा फर्स्ट टारगेट क्वाइट नियर, लेकिन उससे पहले एक इम्तिहान शुरू हो गया। ये इन्हें कहते हैं मुश्किल रास्तों का मुसाफिर या मुश्किल रास्तों के खिलाड़ी। एक्चुअली ये रास्ता तो है ही नहीं, ये तो हम पत्थर टापते हुए जा रहे हैं, लेकिन क्या कमाल जगह है यार। यहाँ पे मरमोट की आवाज़ें आ रही हैं, परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, खूबसूरत। वेरी गुड वेरी गुड। शाह जी सही आ रहे हैं आप, दिस व्यू ऑफ रतिगली लेक इज थ्रू आउट विद अस। चट्टाने भी हमने क्रॉस कर ली हैं और अब उस टारगेट तक जाएंगे। करीब होते जा रहे हैं अपने सेकंड टारगेट के, और ये बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। फूलों पे भंवरे मंडला रहे हैं, असल वाले भंवरे भी, और हम भी भंवरे ही हैं जो यहाँ मंडला रहे हैं कुदरत के इस शाहकार के बीच में। खूबसूरत यार, बादल आ रहे हैं, लेट ना हो जाए कहीं हम चलते हैं। साथी मेरे पीछे है मेरे। लेक तो नहीं नजर आई, लगता है इससे भी नीचे ये जो ग्लेशियर नजर आ रहा है जहां पे ये ड्रेन हो रहा है उसके नीचे। नौमी लेक तो नहीं है यार इधर, नहीं है, नहीं नजर आ रही। ये एक दर्रा है और यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चल रही है, जैसे दर्रों में ठंडी हवाएं चलती हैं ना। और रतिगिरी लेक 12,500 फीट की हाइट पर है, तो ये मुझे लग रहा है कि हम उसे और भी तकरीबन 1,000-1,500 ऊपर आ गए, और अब यहाँ से हमें नीचे उतरना है। और मुसीबत ये है कि नीचे तो उतरना है लेकिन वापस ऊपर भी आना है, तो मुझे लग रहा है कि हमें शाम ही हो जानी है वापस रतिगिरी बेस कैंप तक पहुँचते पहुँचते। अब ये बादल ना है यार, ये इकट्ठे ना हो। दूर बैकग्राउंड में बर्फ पोश पहाड़ नजर आ रहे हैं। यार व्यू तो है, ये आप एक दर्रे में पहुंच गए, आप दोनों तरफ से देखें। सो वी हैव डिसाइडेड टू डिसेंड, अब हम बारी बारी यहाँ से नीचे जाएंगे। बिलाल गाइड हमें ये गाइड कर रहे हैं कि बारी बारी जाएं, क्योंकि अगर इकट्ठे जाएंगे तो पीछे से पत्थर दूसरे के ऊपर आ सकता है, तो पहले मैं जाऊंगा। और वो जो एक
नज़र आ रहा है डीप सा प्याला, वहाँ पे है गटिया लेक। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट। काफ़ी ख़तरनाक है रास्ता, लेकिन जब अल्लाह की मदद हो तो फिर इंशाल्लाह हर रास्ता आसान हो जाता है। लेट्स स्टार्ट। उस दर्रे से इतना नीचे आ गए हम, पत्थरों का एक दरिया था जो उबूर गया, और अब ये ग्लेशियर है जो उबूर कर रहे हैं। और ये मरमोट की खूबसूरत आवाज़ ये अपने साथियों को मुतनब्बे कर रहा है कि दुश्मन आ गया। और मौसम भी जो है ना ख़राब हो रहा है, और यहाँ पे डायरेक्ट ही बर्फ़बारी होनी है। तो बस अल्लाह ताला का विरद करते हुए मैं जा रहा हूँ बिलाल के साथ, और नुमान और नदीम शाह वो नीचे नहीं उतरे दर्रे से, तो मुझसे नहीं रहा गया यार, बाकी अल्लाह ताला मदद करने वाला है इंशाल्लाह। ये तकरीबन ग्लेशियर भी उबूर हो गया, इसके बाद फिर पत्थरों का एक दरिया है, और उसके बाद कुछ देर बाद गटियां लेक नज़र आएगी ऊपर से, और फिर नीचे भी जाना है उसके उसको देखने। सो ये गटिया लेक नज़र आ गई है अभी हम, लेकिन बहुत ऊपर हैं, और ये गटिया लेक में जो पानी ऐड कर रहे हैं वो सामने ये ग्लेशियर, बहुत बड़ा ग्लेशियर है, बिल्कुल दियो है कल, इसको देख के भी खौफ आ रहा है। और इस रास्ते से हम आए, और ये इतनी खूबसूरत जगह है सुर्खी माइल पहाड़। मौसम भी क्लियर होना शुरू हो गया, अब हम नीचे जाएंगे लेक तक, यहाँ से शायद एक घंटा लग जाए, लेकिन जाएंगे इंशाल्लाह। दो घंटे? ओ माय गॉड, एक तरफ बिल्कुल ढलवान है, लेकिन खूबसूरत भी बहुत है। इश्क को पाने के लिए जान का ख़तरा तो मोल लेना पड़ता है ना, वरना फिर इश्क तो नहीं मिलता ना। ये है जी गटिया लेक, बहुत खूबसूरत इसका टॉप से नज़ारा। अभी बिलाल इस पे नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा? घंटे से ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ से गुजर को वो उस जगह से नीचे उतरना पड़ेगा, यहाँ से नीचे तो बहुत मुश्किल है रास्ता, आप नहीं उतर सकेंगे, मैं तो उतर जाऊँगा। घंटा लगेगा। सो वी हैव डिसाइडेड नॉट टू गो एट द बैंक ऑफ द लेक, क्योंकि नीचे जाना जो है ना, एक तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ख़तरनाक भी है रास्ता, और फिर नीचे जाने का मकसद नहीं है। नीचे जाने जाके भी मैंने ड्रोन ही उड़ाना है, तो अभी भी ड्रोन का व्यू ही मैं देख रहा हूँ, तो बहुत खूबसूरत व्यू है ये ऑलरेडी। तो ये है कि नीचे जाके जो झील के पास कैमरा रख के जो व्यू होता है एक, बस वो नहीं होगा और उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ से जो झील नज़र आ रही है ये इससे ज़्यादा खूबसूरत व्यू नहीं हो सकता। क्यों? ठीक कह रहा हूँ ना बिलाल? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ इससे अच्छा व्यू नीचे से तो मिलता ही नहीं है। तो ऊपर से हमने ये लेक भी देख ली, इस लेक को जो फीड कर रहा है वो सामने ग्लेशियर वो भी देख लिया, और ये बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है हर तरफ। Thank you.
ऊपर काला सर, वो सामने ये जी सामने काला सर टू, काला सर थ्री, काला सर थ्री लेक नजर आ रही है। मैं जूम करता हूँ। ये बिलाल बता रहे हैं कि यहाँ तक जाने में हमें एक रात बीच में कैंप लगाना पड़ेगा। सामने लेक नजर आ रही है, ये देखें जरा ये, हाँ ये सामने वाला जो पहाड़ है जो अपर लाइन नजर आ रही है उसके नीचे है। थोड़ा और जूम करता हूँ, ये काला सर थ्री लेक है और यहाँ तक पहुँचने में हमें एक रात स्टे करना पड़ेगा। यहाँ से नूरी टॉप कितना दूर है? नूरी टॉप ये सामने, वो जो ऊपर ये जो आर्मी के कैंप वगैरह लगे हुए हैं ना, ये बिल्कुल उस जो कट नजर आ रहा है उस कट के करीब ही है बिल्कुल। अच्छा, नारायण का गांव दूसरी तरफ, इस तरफ वाली तरफ है। हाँ, और इस तरफ वाली साइड पर शारदा है, शारदा, और वो भी सामने शारदा की ही पहाड़ी है। यहाँ पे बैठ के इतना मजा आ रहा है यार, मैं बयान नहीं कर सकता कि इतनी खूबसूरत जो है ना जगह इस दुनिया में मौजूद है, अल्लाह ताला ने बनाई है। अभी तो सरल लेक सबसे, मुझे तो सबसे खूबसूरत जो लगती है ना वो सरल लेक है। तो आप शारदा से लेके जाते हैं सरल? नहीं नहीं, यहाँ रतिकली से लेके, रतिकली से लेके जाते हैं। कितने दिन का ट्रैक है? दिन को होता है, पहले दिन नूरी टॉप पर, नूरी टॉप पर कैंप करते हैं, दूसरे दिन सरल, और तीसरे दिन जल इधर मुला की बस्ती में, चौथे दिन जलघाट से वापस। ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे क्यामत के दिन। यही पहाड़ हैं जिन्होंने ज़मीन के बैलेंस को बरकरार रखा हुआ है कि ज़मीन को हिलने नहीं देते। जिस दिन ये पहाड़ अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक रेजा रेजा होंगे उस दिन ज़मीन हिचकोले खाएगी। ज़मीन से ज़्यादा हम हिचकोले खाएंगे, हमारा तो हशर नशर हो जाएगा। जब पहाड़ रूई के गालों की तरह उड़ेंगे तो हम कहाँ रह जाएंगे।